मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर क्षेत्र में बच्चे को बोरवेल में गिरे 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उसे निकाला ही नहीं जा सका है। वही अधिकारियों का कहना है कि पहली प्राथमिकता बच्चे तक सही सलामत पहुंचना है, ताकि कोई भी हादसा होने पर बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। एक दिन पहले प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर क्षेत्र में बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। बताया जा रहा है कि बच्चे की तरफ से अब कोई हरकत नहीं हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि एनडीआरएफ और सेना की संयुक्त कार्रवाई के बाद बच्चे के काफी नजदीक पहुंचा जा चुका है। अभी तक करीब 64 फीट की खुदाई की जा चुकी है। अब मशीनों को बंद कर दिया गया है। अब इसे मानवीय तरीकों से खोदा जाएगा ताकि बच्चे तक बनाई जाने वाली सुरंग धस ना जाए। प्रशासनिक और बचाव दल ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ रात भर बचाव कार्य में लगा रहा। बच्चा बोरवेल में लगभग 60 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। इसके आसपास 64 फीट तक खुदाई की जा चुकी है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह 4 वर्षीय प्रहलाद कुशवाहा बोरवेल में गिर गया। सूचना मिलने पर पहले ग्रामीण और फिर पुलिस तथा प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बचाव कार्य में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की मदद भी ली जा रही है। मशीनों के द्वारा खुदाई पूरी तरह कर ली गई है। अब मानव द्वारा प्रहलाद तक सुरंग खोदी जाएगी। बच्चे पर नजर रखने के लिए कैमरा अंदर डाला गया है। इसे टीवी से कनेक्ट किया गया है। ये फुटेज सिर्फ माता पिता और उनके परिजनों को दिखाए जा रहे हैं। हालांकि अभी ये फुटेज जारी नहीं किए गए हैं। सैतपुरा गांव में रहने वाले हरकिशन कुशवाहा अपने 4 वर्षीय पुत्र प्रहलाद व स्वजन के साथ बुधवार सुबह 9 बजे खेत पर पहुंचे थे। बच्चा खेत में खेलने लगा और वह अन्य सदस्य पाइप डालने की तैयारी में जुट गए, तभी अचानक बच्चा बोरवेल में गिर गया। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।